गुड मॉर्निंग गाइस, एंड क्यूटी बेटी को देख लो। इसकी मम्मी नीचे चली गई है और ये मेरे पास सो रही थी। अभी अगर लूसी को पता चल जाए ना, वो मुंह में दबा कर स्कूल ले जाती है हर जगह। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ, अ डे इन माई लाइफ। इट्स अ व्लॉग टाइप ऑफ अ वीडियो। तो चलिए, अभी सबसे पहले तो मुझे जिम जाना है, उसके लिए रेडी हो जाते हैं। और मेरे रूम में बहुत कबाड़ा फैला हुआ है क्योंकि पैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आपकी मम्मा पापा जाना है? चलो, वो 3 बजे रात में नीचे भाग गई थी। 3 बजे भी नहीं, आई थिंक 5 बजे के टाइम उसको भूख लगती है। वो उतने टाइम जाती है, आराम से खाना खाती है और वहीं सो जाती है पापा के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का और अभी जाना है मुझे जिम। 8:30 तक सब लोग, फ्रेंड्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो अभी मैं एक ड्रिंक बनाने वाली हूँ। सबसे पहले उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ, गर्म पानी या फिर कभी कभी नॉर्मल पानी, जब टाइम नहीं होता है तो नॉर्मल पानी बेसिकली, क्योंकि वही फटाफट से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अभी मैं किचन में हूँ और मैंने हनी और लेमन का वही सिंपल सा मिक्सचर, मतलब वो बना लेना है ड्रिंक। आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो, जैसे कॉफ़ी वाटर बहुत लोग लेते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। मुझे लग रहा है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, देख रहे हो कितना ज़्यादा भरा भरा सा मुंह हो गया है। ये ड्रिंक हो गया हमारा रेडी और इसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ी सी खीर, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। एंड सी, लूसी भी खीर खा रही है, इसको बहुत पसंद है खीर, खोया, ये सारी चीज़ें। तो आई एम बैक एट होम फ्रॉम जिम और मैंने एग्स को बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैं 2 एग्स ही खाती हूँ विदाउट एग योक। तो अगर आप वेट लॉस पर हैं तो एग योक आपको अवॉइड करना है, वैसे भी अवॉइड करना ही होता है उसे। और अभी हमें लूसी को लेकर के जाना है। लूसी को आजकल रोज़ डॉक्टर के पास लेकर के जाना होता है, क्योंकि उसको रोज़ इंजेक्शन लगता है और उसका जो वो स्टिचेस हैं उसको क्लीन करके दोबारा से पट्टी की जाती है। तो आज हम उसे दोबारा से लेकर के जा रहे हैं, मतलब तकरीबन 1 महीने तक, 15 to 20 days तो उन्होंने बोला ही है, बट मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसने अपना एक एक स्टिच ओपन कर दिया था। एनीवेज, उसको लेकर के चलते हैं। पता नहीं कैसा ही मौसम हो गया है, खराश जैसा हो रहा है बट साफ भी नहीं हो रहा गला, इसीलिए गर्म पानी सुबह पीना मस्ट हो गया है आजकल। चलिए चलते हैं फिर लेकर के। मैं फर्स्टली इसको चेंज करूंगी क्योंकि ये जिम वाली टी शर्ट हो चुकी है, अब इसको चेंज करके देन निकलते हैं। वाह, कहाँ बैठी हो बिट्टू? इसका सोने का अड्डा है, वहां पे घुस जाती है, वो आराम से सो जाती है। ये देखो, पूरा निकाल लिया, अपना पूरा निकाल लिया है। Thank you.
जस्ट अभी अभी मैंने नहा लिया है एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश राइट नाउ. और पता है जिम से ना एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको अपना हेयर वॉश करना पड़ेगा. मैंने कल ही अपने बाल धोए थे और अगले दिन मैं कभी भी बाल नहीं धोती हूँ. बट इतना ज़्यादा स्वेट होता है ना और बालों की तो एकदम से ही ऐसे चेपू सा हो जाता है बिल्कुल. सो इस वजह से मुझे आज भी अपने बालों को वॉश करना पड़ा. सो ये मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है बट स्टिल मेरी जॉ लाइन आ रही है धीरे धीरे. लुक एट दिस, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है. सो बस मैं अभी रेडी होने जा रही थी. तो आज है मायशा का बर्थडे एंड हमें इन्विटेशन आया सो वी नीड टू गो. और जो मेरा ड्रेस होने वाला है आज का, दिस इज द ड्रेस गाइज, रेड कलर का. सीरियसली ओके, सो दिस इज़ द ड्रेस जो कि मैं पहनने वाली हूँ. एक लॉन्ग गाउन है. देयर इज़ लूसी, आराम से सो रही है. सो सिंपल सा ही है ये बिल्कुल. और यहाँ पर ना एक स्पॉट है, ये वाला स्पॉट है जो ना बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है. तो इसका एक हैक करने वाला है, लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं. सो हमें लेनी है एक लिपस्टिक. जिस कलर की भी आपकी ड्रेस है उसी कलर की आपको लिपस्टिक लेनी है. तो यहाँ पे मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक ली है और इसको हम अपने इस वाले स्पॉट पर बहुत ही हल्का सा अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर अब हम इसको अप्लाई करेंगे एंड इट्स डिफ़िकल्ट कि मैं शूट भी कर लूँ और इसको काम भी कर दूँ इसका. ओ गॉड, ये वर्क कर रहा है, मतलब पहले से तो मच मच बेटर हो गया. ये होता है ना एसिड, कपड़े धोने वाला आला, वो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे टच हो गया था ये बहुत टाइम पहले, और तब से मैंने ये पहना नहीं है. अभी देखती हूँ ये मेरे फिट भी आता है या नहीं क्योंकि मेरे सारे जो आउटफिट्स हैं वो फिटेड होते जा रहे हैं, टाइट होते जा रहे हैं. तो ये देखें वर्क हो गया है, ये मतलब ये काम का है. ये दिस हैक वर्क्स, मतलब वाह 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 वाह. पिंक कलर है, पर्पल कलर है, तो आप लिपस्टिक, हाँ स्पेशली लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ करें. मच मच बेटर, बहुत अच्छा हो गया है. बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हुआ है बट फिर भी ये देखें दिख नहीं रहा, दिखेगा नहीं, मतलब दूर से इतना कौन ही उसके दिखेगा. और इसके साथ मैंने ये दो ज्वेलरीज रखी हैं, एक है ये चोकर सेट और दूसरा है ये इयररिंग्स. लेट्स सी मैं कौन सा पहनती हूँ. मेकअप कंप्लीट होने के बाद ही डिसाइड होगा कि मैं क्या पहनूंगी, इन दोनों में से कौन सा पहनूंगी. एनीवेज फटाफट से कर लेते हैं तो मैंने चेंज कर लिया है एंड आई एम टोटली रेडी. सो मैंने कुछ इस तरीके का सॉफ्ट आई स्मोकी टाइप ऑफ अ लुक किया है एंड विद रेड लिप्स, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो रेड गाउन है. सो मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी को मैंने रेडी कर दिया है. फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं, लेट्स गो. सो हम लोग जा रहे हैं अपनी ब्रांड न्यू कार से. और कौन साफ कर रहा है इसे? मिस्टर आसिफ. और आज के लिए कौन कार ड्राइव करने वाला है? जी हाँ, फारूक जी, जो कि आसिफ के फ्रेंड हैं ना, क्लासमेट हैं. चलो फिर मम्मी को बुला लो. साहिल रेडी है? ओ भाई ठंडी कर दी बिल्कुल. कैसा लग रहा है अपनी कार में? हाँ जी, अनबिलीवेबल, ऑसम. अपनी गाड़ी में तो अच्छा चलता है. और आगे बैठे हैं आसिफ. ये अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज आवर फर्स्ट राइड और जस्ट हम लोग अभी पहुंच गए. तो चलो उतरते हैं. अच्छा लगा माशाल्लाह. मम्मी भी बहुत खुश हैं और मुझे यही चाहिए. बहुत खुशी हो रही है मुझे कि सब खुश हैं. अस्सलाम वालेकुम. इनके ब्लॉग में देखा. बहुत कुछ बोला है मैंने, अभी नहीं बोला था. मैं ब्लॉग में नहीं बोल रही हूं, होता है पता नहीं क्या कहा, मतलब मैं बहुत नाराज़ लग रही हूं. चलो कुछ खाते हैं. ऑलराइट, सो हम लोग निकल रहे हैं यहां से एंड द पार्टी वाज रियली रियली ऑसम. क्यों मम्मी, मजा आया?
आप लोग मायशा को थोड़ी ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी और अच्छे से जिए. सो या हैप्पी बर्थडे अगेन टू हर. एंड यस, हम लोग अब निकल रहे हैं. सो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ. आई होप कि आप लोगों को देख करके मज़ा आया होगा. अच्छा लगा हो तो इसको मम्मी लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.